CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की उर्दू की पाठ्यपुस्तक नवाए उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम मगर वो टूट गई। इस उर्दू अफसाने की लेखिका हैं स्वालेहा आबिद हुसैन। तारुफे मुसन्निफ स्वालेहा आबिद हुसैन 1913 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक। स्वालेहा आबिद हुसैन का असली नाम मुस्ताक फातिमा था। लिखने पढ़ने का शौक उन्हें बचपन ही से था, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत नॉवेल नवीस और अफसाना निगार की है। स्वालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के जरिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। उन्होंने अपने नॉवेलों, अफसानों और ड्रामों के जरिए इंसानी और तहजीबी कदरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री का एजाज अता किया। कई सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें इनाम दिए। उनके अफसानों के 4 मजमुए भी शाया हुए। उनके नॉवेलों में अज़रा, आतिशे खामोश, कतरे से गहरे होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। तो आइए अब सुनते हैं ये अफसाना मगर वो टूट गई। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए। उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला जेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज बेजान सी नजर आ रही थी। डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गाउन, छत पर लटका छोटा सा बलवरी झाड़, हर चीज उसका मुंह चढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर में महवे ख्वाब होंगे। हां, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, ना वो आए ना नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, उसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लोट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ आया, जो उसके गालों पर लुढ़कते, कनपटियों पर से फैलते नर्म तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद्दे आदम रंगीन तस्वीर आवेजा थी। उनकी शादी की तस्वीर, उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। शादी, 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 शादी या बर्बादी, कितनी बर्बादियां उसने अपने चारों तरफ देखी थी। मां की जिंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकुशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास जिंदगी, 2-4 नहीं बीसियों नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है?
उसने अगर कभी शादी की तो? नहीं नहीं नहीं, वो लरज उठती, जाने क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी, एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की जिंदगियां देखकर वो बहुत ज्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए। मगर ये नाकाम जिंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाकें, इसमें मर्द से ज्यादा औरत का कसूर है शायद। वो चाहे तो वो सहारना सीखे, घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज, खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी और आनबान, शौहर से मुकाबले। मनोरमा हद से ज्यादा हसास न होती और इतनी बेजुबान, तो शायद खुदकुशी की नौबत ही ना आती। इस रिश्ते के खिलाफ थी। खानदान और बाजी को उम्र पर एतराज था और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज है। अलबत्ता अब्बा मियां कहते, खामा खां लोग मुखालफत करते हैं, 15-17 बरस का फर्क है तो क्या हुआ। अरे भाई, मर्द की उम्र में फर्क होना ही चाहिए। अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, इन सब की जिंदगियां उसकी नजर में हैं। सबकी कमजोरियां भी वो जानती है। उसका अज्म था कि वो उनका दिल जीतेगी। मैं निभा करना जानती हूं और निभा करके दिखाऊंगी। वो उनकी बन गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उस रोशन ख्याल, आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए, जैसे ये उसके अख्तियार की बात थी। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। मगर उसे तो निभा करना था। इसके लिए उसने वो सहा जिसका एतराफ वो खुद अपनी जात से भी करना नहीं चाहती थी। सारा खानदान ये समझता था कि शौहर उसे बेहद चाहता है, आंख से ओझल नहीं होने देता, हजारों में खेलती है, हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐशो आराम मयसर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती हैं। खुशकिस्मत। उसने तालीम याफ्ता खुद मुख्तार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा। रात रात भर टांगे दबाई, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए। जब शोशो पैदा हुआ तो कुछ अरसे बेटे की मां बन जाने के बाद मजाजी खुदा ने उसका ख्याल किया
वो कद्र और इज्जत जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। 4 बजे की आवाज पर वो चौंक पड़ी। वो अब तक नहीं आया और अब ये कौन सी नई बात है? कब से ये आग सीने में भड़क रही है और वो इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। खिड़की में से फटती पौ की हल्की दूधिया रोशनी पर उसकी नजरें जम गईं। उषा, उसकी जिंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? उषा, वो लड़की। क्या? तुमने जो सुना सब ठीक है। नहीं। मगर तुम कौन होती हो एतराज करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं 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 नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे आप मुझे, नहीं। अरे आपके बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा है आपका, नहीं। बच्चों को बाप की जरूरत है। अब बके जा, मैं तो जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते, नहीं, नहीं छोड़ सकते आप मुझे। उषा, वो लड़की, अब सूरज निकल आया था मगर वो उसी तरह नाइट गाउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। नहीं नहीं, ये शादी टूट नहीं सकती, मैं सब सहारूंगी मगर उसे छोड़ूंगी नहीं, कौन ले सकता है मेरी जगह? नहीं नहीं टूटेगी ये शादी, नहीं नहीं। बेगम साहब, आपके नाम का खत है। मुलाजिमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया। नहीं टूटेगी ये शादी, नहीं टूटेगी। मगर वो टूट गई तो वो टूट गई। तलाक नामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी। मगर वो टूट गई। गौर करने की बात, इस कहानी के 2 रुख हैं। इस कहानी में जहां लड़कियों पर मजालिम की दास्तान बयान की गई है, वहीं गैर जिम्मेदार मर्दों पर तंज भी किया गया है। ये कहानी हमारे माशरे की उन खवातीन की तस्वीर कशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती हैं, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि शौहर के बुरे बर्ताव के बावजूद बीवी किसी न किसी तरह, ख्वाह वो अपने खानदान की इज्जत या अपने बच्चों की खातिर, निभाने की कोशिश करती है। ये कहानी जिस जमाने में लिखी गई, उस वक्त की तालीम याफ्ता लड़कियां जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहती थीं,
लेकिन आज की औरत बेदार हो चुकी है। वो शौहर के इस घिनावने अमल के बाद खामोश नहीं बैठती। इस अफसाने को सुनने के बाद आइए कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाए। सवाल नंबर एक। अफसाने के मरकजी किरदार बीवी को पूरा खानदान खुशकिस्मत क्यों समझता था? सवाल नंबर दो। लड़कियों की परवरिश और तालीम किस तरह की हो कि वो किसी तरह के जुल्म की शिकार ना हों, इसके लिए इस अफसाने में किस तरफ इशारा किया गया है? सवाल नंबर तीन। तालीम याफ्ता होने के बावजूद शौहर लड़कियों के पैदा होने पर बीवी से नाराज क्यों था? सवाल नंबर चार। अफसाने में बीवी हर तरह के हालात से समझौता क्यों करती जाती है? मगर वो टूट गई। अभी आप सुन रहे थे मशहूर लेखिका स्वालेहा आबिद हुसैन का ये उर्दू अफसाना। विषय संयोजन डॉक्टर चमनारा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।